हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 9/8 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात। इसका जो थ्योरी क्लास ये कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम्स जो होगा उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 150 छात्र है, ठीक है, 150 छात्र है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, ठीक है, इतना पर ठीक है। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्यानुपात कितना होगा? देखिए, मध्यानुपात पूछ रहा है। मध्यानुपात मतलब बी निकालना है, और बी का फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी, यहाँ पर ए प्रथम अनुपात, सी तृतीय अनुपात, बी मध्यानुपात होता है। आपको याद है? नहीं याद है तो वीडियो देखिए, वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये है किसका है, लड़के और लड़कियाँ, क्या दिया हुआ, पहले लड़के उसके बाद लड़कियाँ। तो लड़के के लिए बॉयज, लड़कियों के लिए गर्ल देते हैं, ठीक है, और रेशियो है 4:1 इस तरह का है, ठीक। टोटल कितना है? टोटल है 150, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, टोटल से रेशियो के टोटल को डिवाइड देते हैं। इन निकल गया 30 जो आया, ये एक रेशियो का वैल्यू है, आ गया एक रेशियो का वैल्यू मिल गया। मतलब क्या, अब निकालना क्या है, संख्या। तो देखिए, 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 120, एक रेशियो बराबर 30। तो लड़कियों की संख्या 30 है, तो लड़कों की संख्या 120 है, टोटल 150 हो रहा है। चलिए, मिल गया। बोला है क्या, मध्य अनुपात निकालिए। तो ये हो जाएगा ए प्रथम अनुपात, ये हो जाएगा सी तृतीय अनुपात। मध्य अनुपात बी इक्वल क्या होता है, रूट अंडर ए सी। तो रूट अंडर 120 इंटू 30, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको शॉर्ट में करेंगे सीधा। देखिए, 12 से इसको मल्टीपल करेंगे, तो 12 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 होगा, और 2 जीरो बिठा देते हैं, ठीक है, आ गया 3600। इसका रूट निकालते हैं, तो रूट से हमें पता है क्या, 0 निकालते हैं, तो 2 जीरो निकालेंगे तो बाहर 1 जीरो निकलेगा। और 36 क्या होता है, 6 × 6 होता है, तो 6 × 6 यहाँ पूरा कर ही देते हैं। देखिए, 36 बराबर क्या होता है, 3600 है, तो 36 बराबर 6 × 6 होता है, इंटू 2 जीरो है, मतलब 100 है। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से जब 36 2 6 2 6 है 2 6 से 1 6 आएगा बाहर, तो 1 6 आ गया, और यहाँ पर 2 जीरो है मतलब 100 है, इससे 1 जीरो आएगा मतलब 10 आएगा, तो 60 आएगा आंसर। इसका क्या आएगा, 60। तो मध्यानुपात बी इक्वल कितना होगा, 60, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा क्वेश्चन। अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो में कमेंट कीजिए कि कैसा हो रहा है वीडियो, आपको कैसा लग रहा है, और एक बात क्या कि अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर सेंड कीजिए। शेयर कीजिएगा तो चैनल को बूस्ट मिलेगा, लाइक कीजिएगा तो वीडियो को बूस्ट मिलेगा और हमें भी बूस्ट मिलेगा, और अच्छा अच्छा कंटेंट देने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।